हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक इन मी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo X21 के बारे में। जी हाँ, Vivo X21 एक बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फोन यहाँ पे Vivo लेके आया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और बोल सकते हैं कि Vivo ही एक ऐसा पहला फोन है या फिर Vivo एक ऐसा पहला कंपनी है जो Vivo X21 में एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे लेके आ रहा है। तो जी हाँ, Vivo का ये जो X21 बहुत ही अच्छा फोन रहने वाला है या फिर बहुत ही अच्छा फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। तो इस वीडियो में हम Vivo X21 के ही बारे में बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द जाइए ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे इन्फिनिक्स का हॉट S3 का यहाँ पे गिव अवे भी चल रहा है, तो उसके लिए भी प्लीज़ मुझे जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जल्द से जल्द जाइए इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो Vivo X21 के पहले हम डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले यहाँ पे बोल सकते हैं कि करंट मार्केट को मद्देनजर रखते हुए। तो आप लोगों को 6.28 इंचेस का आपको 1080x2280 का रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। आप लोगों को 19:9 का एक्सपेक्ट रेशियो, यानी कि आप लोगों को नॉच देखने को मिलेगा, और बेजल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर बेजल लेस फोन आपको देखने को मिल जाएगा। बस ऊपर आईफोन एक्स की तरह यहाँ पे नॉच आपको देखने को मिल सकता है। तो देख लीजिए, डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले यहाँ पे बोला गया है। 6.28 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले है और विदाउट बेजल 19:9 का एक्सपेक्ट रेशियो मिल रहा है। तो डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया फिर डिसेंट यहाँ पे या फिर अच्छा खासा डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें Qualcomm Snapdragon 660 का प्रोसेसर होने वाला है। अब आप बोलेंगे 660 क्या है, तो 660 एक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि Cairo का चिपसेट लगाया है और Cairo के आर्किटेक्ट पे बना गया चिपसेट बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। जिस तरीके से Snapdragon 630 या फिर 636 शायद, वो भी Cairo के ही आर्किटेक्ट पे बनाया गया है, वो भी बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है। 636 और 660 उसका ये बोल सकते हैं कि अपग्रेडेड है। तो बोल सकते हैं कि प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे बेस्ट प्रोसेसर भी लगाया गया है। साथ ही में जीपीयू की बात करूँ तो एड्रिनो का 512 का यहाँ पे जीपीयू आप लोगों को देखने को मिल जाता है। 6GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ ये आता है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फोन अभी तक बताया गया और उस तरीके से इसका कुछ फीचर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो एंड्रॉयड ओरियो ऑफ द बॉक्स जो कि है 8.0 या फिर 8.0 लेटेस्ट यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही में उनका Funtouch का 4.0 का यहाँ पे OS आप लोगों को देखने या फिर UI देखने को मिल जाता है। तो ये तो रह गया कुछ उसका हार्डवेयर के बारे में फ्रेंड्स। अब बात करते हैं उसके कैमरा के बारे में। तो कैमरा की बात करूँ तो डुअल वर्टिकल आपको बोल सकते हैं कि कैमरा का स्लाइडिंग देखने को मिल जाता है। 12+5 मेगापिक्सल का एपर्चर है, 1.5 और एपर्चर 2.4 रिस्पेक्टिवली। तो देख लीजिए, 12+5 मेगापिक्सल का आपको डुअल कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 12 मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है एपर्चर F2.0 के साथ। तो कैमरा की बात करूँ तो कैमरा भी आप लोगों को यहाँ पे बढ़िया सा आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस आप लोगों को Vivo के X21 में। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे 3200mAh का बैटरी, लेकिन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ऑफिशियली बोल दिया गया, यानी कि फास्ट चार्जिंग अगर 3.0 भी रहेगा तो आपका बैटरी 0-60% आपको कर देगा चार्ज खाली 20 मिनट में, और बाकी के चार्जिंग को लेगा कम से कम 1 घंटे के आसपास। तो फिलहाल बैटरी की बात करूँ तो बैटरी भी आप लोगों को अच्छा खासा मिल रहा है आप लोगों को फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। तो यही है कुछ Vivo X21। अब इसके खासियत की बात करूँ तो खासियत यही है कि उसका फिंगरप्रिंट सेंसर वो स्क्रीन पे, यानी कि स्क्रीन पे अपने थंब को लगाइए और आपका फोन हो जाएगा अनलॉक। और इसमें फेशियल रिकॉग्निशन भी दिया गया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है 3D मैपिंग के रूप में, यानी कि आपके फेस को मैप करेगा और आप ही के फेस से आपका फ़ोन खुलेगा, जिस तरीके से हम मार्केट में फ़ोन में देखते हैं, लेकिन 3D मैपिंग के थ्रू ये कैसा है और सिक्योरिटी अच्छा खासा हो जाता है। तो यही था Vivo X21 के बारे में फ्रेंड्स। मेन यही है इसका कि आप लोगों को डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, कि आप लोगों को स्क्रीन पे बस उंगली रखना है और आपका फ़ोन हो जाएगा अनलॉक। तो यही था फ्रेंड्स Vivo X21 के बारे में। प्राइसिंग की बात करूँ तो 31,000 से 35,000 के बीच में इसका प्राइसिंग रख सकते हैं। 29 मई को यहाँ पे लॉन्च होएगा इंडिया में, देखते हैं फिलहाल उसके बाद कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में Vivo X21 के बारे में। अगर ये पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना बने टेक इन यूट्यूब चैनल के साथ। बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।